शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इतने जल्दी? अरे छोटी, मैंने पंडित जी से कहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो शादी का मुहूर्त निकलवा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि शादी में देर हो। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मेरी ममता को समझोगी और शादी के लिए हाँ कह दोगी, और देखो ना, तुमने वैसे ही किया। देखो छोटी, तुम्हें याद रहेगा ना कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। अपनी मम्मी जी को अपनी आंखों में कभी आंसू मत दिखाना, खुश रहना। अरे ऋषि, कितने काम पड़े। आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ, हम लोग हैं ना, समीर भाई और मैं मिलकर सब काम निपटा देंगे। व्हाट? बड़ोदरा जाना है? क्यों? अभी तो बताया, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। सिड, आज मत जाओ प्लीज। देखो मीटिंग जो है ना बहुत जरूरी है और मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। ओके देन, आई एम आल्सो कमिंग विद यू। मैं भी तुम्हारे साथ वहां जा रही हूं। भाषा, तुम वहां चल के क्या करोगी मेरे साथ? बोर हो जाओगी खामखा। लेकिन कम से कम मैं तुम्हें तो वहां बोर नहीं होने दूंगी ना। अब नाउ नो मोर आर्गुमेंट्स, मुझे अपने साथ आने दो प्लीज। ओके, तो मैं जा रही हूं पापा को बताने कि मैं नहीं, हम नहीं, मैं बड़ोदरा जा रही हूं। ओके बाय। तुम्हारे सामने तो रो सकती हूँ ना, तो तुम सिद्ध के साथ जा रही हो? हाँ मॉम, बताया था ना आपको। बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारा उसके साथ अकेले इतनी दूर जाना ठीक नहीं लग रहा है। मॉम, अगर मैं सिद्धार्थ के साथ जा रही हूँ तो फिर मैं अकेली कैसे हुई? आप भी ना बेकार टेंशन ले रहे हो। जिसके साथ मेरा कन्यादान करवाने वाले हो उस पर इतना अविश्वास? बात अविश्वास की नहीं है बेटा, लेकिन मॉम, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं सिड को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं पापा से परमिशन ले चुकी हूँ। इसलिए आप अब बिल्कुल टेंशन मत लो। विश मी अ हैप्पी जर्नी। अपना ध्यान देना बेटा। मॉम, मैं वहां अपना नहीं सिड का ख्याल रखने जा रही, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए तो सिड है ही। ओके बाय। समीर, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने कल नियति से बात की, जिस तरीके से आपने उसका साथ दिया, उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसे समझाया। लेकिन एक बात कहूं, जिस तरीके से आपने माजी से बात की वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसे बोलकर आप क्या रियलाइज कराना चाहते थे कि वो नियति के दुश्मन है? रोहिणी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें आजकल मेरे अंदर नई नई गलतियां ढूंढने का चस्का लग गया है शायद, इसलिए तुम्हें माँ की गलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन मेरा उनसे गुस्सा करना दिखाई दे रहा है। और ऐसा मैंने उनसे क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? रोहिणी, तुम्हें भी पता नहीं है, नियति की भी हालत नहीं है कि वो अपना भला और बुरा समझ सके, जो तुम लोग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी शादी करा रहे हो और फिर कहते हो कि हम लोग दुश्मन नहीं है। समीर, इस घर में हर कोई नियति का भला ही चाहता है, बस हर किसी का तरीका ही तो अलग है। रोहिणी, भले की बात करके किसी का भला नहीं होता है। कभी फुर्सत मिले ना तो मेरी तरह सोच के देखना कि नियति का भला कराने के चक्कर में तुम लोग उसे नरक में तो नहीं ढकेल रहे हो।
सोचना इस बारे में। This is great, ये कमरा तो बहुत अच्छा है। अरे व्यू भी बहुत अच्छा है सिड, दिस इज लाइक वाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कमरा पसंद आया और व्यू भी पसंद आया। मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि तुम यहाँ पर बोर नहीं होगी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें भूख लगे तो फोन पे ऑर्डर कर देना, ठीक है? मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा तुम क्या खाओगे? देख लूंगा ऑफिस में समथिंग। तो फिर मेरे साथ एक कप कॉफी पीकर जाओ ना। जिंदगी भर पड़ी है ना कॉफी पीने के लिए, भी फिलहाल काम पे जाना है। सेठ, एक कप कॉफी पीने में कितनी देर लगती है? तो मुझे काम नहीं करने दोगी? काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अगर इस मोमेंट की कॉफी तुमने इस मोमेंट में नहीं पी तो फिर ये मोमेंट तो सारी जिंदगी के लिए मिस हो गया ना। ठीक है, ऑर्डर कर जल्दी। राइट साहब। अभी ये घूंघट तुम खुद उठाओगी या मुझे ही उठाना पड़ेगा? चलो, एज पर कस्टम मैं ही उठा देता हूं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पसंद लाजवाब थी अंबर की। अरे वाह, उसका नाम सुनकर आज भी इतना जोरदार रिएक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी सुहागरात जो है, करेक्शन, दूसरी सुहागरात, और वो भी अंबर के ही साथ। आकाश, क्या बकवास करने जा रहे हो? तुम तो अंबर के बिना जी नहीं सकती ना। मर तो सकती हो, तो फिर मरो आज। आकाश, आज की रात तुम्हारी मुक्ति की रात है। आकाश, मैं तुम्हें आज तुम्हारी जिंदगी से मुक्ति दे दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए शादी की थी? नहीं, मैंने तुम्हें जिंदगी से मुक्ति देने के लिए शादी की थी। तुम्हारी वजह से मेरी वैशाली अपने ही इस घर से दरबदर हो गई। अब मैं अपनी वैशाली का बदला लूंगा। आज विशाली का ये दीवाना नंबर वन, तुम्हें इस दुनिया से इधर बदर कर दूंगा। तुम्हें मैं अब तुम्हारे अंबर के पास भेज दूंगा और उसके बाद मैं अपनी विशाली के पास चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। Good night. भाभी आप? मैं तो एक्चुअली तुम्हें एक खुशखबरी देने आई थी। खुशखबरी? घर में कोई नया मेहमान आया?
आया तो है पर मेहमान नहीं तुम। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। तुम्हारी और नियति की शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकला है और उसके बाद तुम हमेशा इस घर में रहोगे, समझे? सच भाभी, अगले हफ्ते ही? तो और क्या, मैं झूठ बोलूंगी तुमसे? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो इस घर में किसी को भी नहीं हो रहा है आकाश। खैर छोड़ो, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अगर इस घर के लोगों को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी और नियति की शादी एक्चुअली में हो रही है, तो शादी के बाद जो होने वाला है उस पर कैसे यकीन होगा? तुम्हारी सुनी कलाइयां नहीं देखना चाहती बेटा, इनमें मुझे वही खन खनाती हुई चूड़ियां चाहिए। और जब मैं तुम्हारी सुनी मांग देखती हूं ना, तो मेरे कलेजे में सूझता छुपता है। मरते दम तक उस वादे को निभाऊंगी, इसीलिए तो मैंने अंबर की जगह आकाश को दे दी। समीर, माँ जी कह रही थी नियति की शादी तक दुकान बंद ही रखिएगा। उनसे कहो अगर वो चाहें तो मैं दुकान में हमेशा के लिए ताला लगा दूं, कैसा रहेगा? समीर, आपको हो क्या गया? हर छोटी से छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं आजकल। सॉरी, माफ करो, गलती हो गई। समीर, ये वक्त एक दूसरे को ताने देने का नहीं है, नियति का साथ देने का वक्त है ये। अरे, नियति को हमारे साथ की जरूरत है। एक सवाल पूछूं रोहिणी, ईमानदारी से जवाब दोगी? पूछिए। अगर कल को मैं नहीं रहूं तो क्या तुम मां के कहने पर किसी का हाथ थामोगी? ये कह के सवाल के बदले सवाल नहीं रोहिणी, मुझे मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब चाहिए। तुम भी यंग हो, मेरे बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं काटना चाहोगे, है ना? बस एक बात बताओ, मेरे बाद
तुम्हें किसी और का हाथ थामने के लिए कितना वक्त चाहिए? दिन, महीने, साल, कितना? रोहिणी, चलो वापस कब आओगे? पता नहीं काम कब खत्म होता है ऑफिस में। कहां से? तो मैं पूरा दिन क्या करूं? बड़ोदरा घूम लेना, आसपास की जगह देख लेना। अकेले? मेरे आने तक। ओके, लेकिन मैं घड़ी घड़ी तुम्हें फोन करके ये बताती रहूंगी कि मैं कहां हूं और क्या करूंगी। चलेगा ना? चलेगा, लेकिन माय फोन इज ऑन साइलेंट मोड। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें फोन करती रहूंगी। ठीक है, बस जहां भी जाना हो गेस्ट हाउस की कार लेकर जाना, ऐसे अकेले मत चले जाना। ओके, डोंट वरी अबाउट मी। बट अब तुम्हें देर नहीं हो रही? यस, बिल्कुल देर हो रही है। बाय, चलता हूं। बाय एंड लिसन, ऑल द बेस्ट। बाय। ये हुई ना बात, ऐसी खुश रहा करो। मैं देखती हूँ। अरे कन्नू, सब ठीक तो है ना? आप बताइए भाभी, आपकी शादी हो रही है ना, उसी में शामिल होने के लिए बुलाया माने हमें। आ गई कन्नू तुम? अतुल से पूछ कर आई हो ना? बताकर तो आई हूं। भाभी, आप इस शादी से खुश तो है ना? कन्नू, ये कैसा सवाल है? अरे होने वाली दुल्हन से कोई ऐसी बातें पूछता है? ऑफ कोर्स छोटी अपनी मर्जी से शादी करी है। अरे हाँ, अतुल कब तक आ रहा है? वो इस शादी में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों? उन्हें ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि आप सबने अंबर भैया को इतनी जल्दी और इस हद तक बुला दिया कि नियति भाभी की दूसरी शादी। मेरी समझ में नहीं आ रही है, सारे लोग शादी का ये मतलब क्यों निकाल रहे हैं कि मैंने इतनी जल्दी अंबर को बुला दिया? सोचने दो लोगों को, सोचने वालों को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं जानती हूँ जो भी कुछ हो रहा है ना, एकदम ठीक हो रहा है। अतुल तो नादान है, बात करूंगी उससे। क्या गलत कहा तुमने? पर ये बात आपको समझ नहीं आएगी मम्मी जी।